प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपको बता दें कि मैनपुरी में इस वक्त 31.35% मतदान हो चुका है। आपको बता दें 1 बजे तक मैनपुरी में 31.35% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, जिसमें अभी 1 बजे तक 31.35% मतदान हो चुका है। हम आपको खबर सीधे मैनपुरी से दिखा रहे हैं, जहां पर 1 बजे तक 31.35% तक मतदान हो चुका है। मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, लोकसभा उपचुनाव को लेकर 1 बजे तक मैनपुरी में 31.35% तक उपचुनाव में वोटिंग की गई है। आपको हम वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं, जिसमें मैनपुरी में अभी तक 31.35% तक मतदान हो चुका है मैनपुरी से। आपको बता दें कि मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, क्या माहौल है वहां पर? अभी तक तो 31.35% वहां पर वोटिंग हो चुकी है। मैनपुरी जो बाई इलेक्शन लोकसभा का है, अगर उसकी बात की जाए तो अगर 1 बजे की अपडेट की बात करें तो कुल 31.5% का अभी तक वोटिंग परसेंटेज यानी वोट प्रतिशत वहां पे गिरा हुआ है। और अभी भी शाम 6 बजे तक मौका है मतदाताओं के पास कि बूथ पे जाके अपना मतदान करें, अपने प्रत्याशी को, जिस प्रत्याशी को उन्होंने चुना है उसको जो है वहां पे जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करके मत को डालें। अगर मैनपुरी से ही तक अगर खतौली की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट परसेंट खतौली का है, जहाँ पे 33% तक वोटिंग हुई है। वही सबसे कम वोटिंग परसेंट रामपुर का है, जहाँ करीब 20% से भी कम यानी 19.5% तक का रामपुर में अभी वोटिंग परसेंटेज रहा है। नंदनी जी, विवेक, देखा जाए तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है इसमें। नंदनी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है उनके मुख्य सचेतक मनोज पांडे के नेतृत्व में लखनऊ के निर्वाचन आयोग पहुंचा था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग से उन्होंने बातचीत भी की, अपना ज्ञापन भी सौंपा, तमाम शिकायतें भी दर्ज कराई। इस सचेतक मंडल के साथ जो प्रतिनिधि मंडल है, सपा का जो डेलीगेशन है, करीब 30 विधायक उनके साथ मौजूद थे। और इसके बाद मुख्य प्रवक्ता रंजन चौधरी और विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुदास मल्होत्रा भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पे लगातार कार्रवाई हो रही है। मैनपुरी को और एक तरह से अस्थायी जेलों में परिवर्तित कर दिया गया है। वहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और जो एजेंट है उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। लगातार ईवीएम मशीन में गड़बड़ी निकल रही है ताकि लोग वोट न डाल पाए, कम से कम वोट गिरे, समाजवादी के पक्ष में वोट कम से कम गिरे, और लोगों को धमकाया जा रहा है और उन पर झूठे जिला प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप इन लोगों ने लगाया कि जिला प्रशासन ये कह रहा है कि चुनाव के बाद इतने सारे केसेस तुम्हारे ऊपर लाद देंगे। तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है। लगातार 1 हफ्ते से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो निर्वाचन आयोग के ऑफिस तक पहुंच गया है। कुछ दिन पहले राम गोपाल यादव दिल्ली भी पहुंचे थे, ACI के हेडक्वार्टर दिल्ली भी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ अगर लखनऊ की बात करें तो 1 हफ्ते से सपा का डेलीगेशन रोज ही जो है निर्वाचन आयोग के ऑफिस पहुंच रहा है। विवेक, बात की जाए मैनपुरी की तो देखा जाए जहां मैनपुरी में पूरा यादव परिवार एक साथ वोट किया, अखिलेश ने भी वोट डाल दिया है, डिंपल ने भी वोट डाल दिया लगातार, लेकिन प्रशासन पर देखा जाए तो पूरा यादव परिवार ही वहां पर प्रशासन पर आरोप लगा रहा है। देखिए, मैनपुरी का जो लोकसभा का बाई इलेक्शन है वो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट से उसकी प्रतिष्ठा और परंपरा काफी जुड़ी हुई है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जो है कि 1991 से लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए कई विकास कार्यों को किया है, इसलिए सीट जो है उनकी हमेशा से वो जीतते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, इसलिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का पूरा फोकस मैनपुरी पे है। मैनपुरी के दुर्ग को भेदने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और समाजवादी पार्टी उस पर जो है लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का बेहद गंभीर इल्जाम लगा रही है। और ये भी इल्जाम लगा रही है कि सपा के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया जा रहा है, जो हमारे बूथ एजेंट है, जो हमारे पोलिंग एजेंट है, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और बर्बरता दिखाई जा रही है। जो उनके वोटरों हैं उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि सपा के पक्ष में कम से कम वोट गिरे। नंदनी
इसी बीच अखिलेश यादव ने नेताजी की एक तस्वीर शेयर करके उनको बोला कि अगर आपका एक वोट नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। जी नंदनी, मतदान के बाद उन्होंने एक भावुक करने वाला ट्वीट किया जिसमें नेताजी को वो श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तस्वीर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये जो उपचुनाव है, मैनपुरी का उपचुनाव है, यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगा और क्षेत्र की जनता जो है नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिला प्रशासन से लेके पुलिस जो है, वहाँ के डीएम जो सकती है, वो समाजवादी कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ के जो पोलिंग एजेंट है, बूथ एजेंट है, तो तमाम प्रकार के आरोप जो है अखिलेश यादव ने भी लगाए हैं। बात की जाए रामपुर का, तो रामपुर तक अभी तक तीनों उपचुनाव सीटों पर देखा जाए तो रामपुर में सबसे ज्यादा सबसे कम वोटिंग हुई है अभी तक। जी नहीं, रामपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है बाकी इन दोनों के मुकाबले बेहद ही कम है। और मैं बताना चाहूंगा कि रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस की भी कुछ भीड़ की भी खबरें आई थी जहाँ पे कुछ देर के लिए चुनाव बाधित रहा था। और रामपुर में कई ईवीएम में गड़बड़ी भी देखने को मिली थी, वहाँ के बूथ नंबर 229 से लेके 230-282 ऐसे कई जगह है मुजफ्फरपुर खतौली से लेके रामपुर तक जहाँ पे ईवीएम में जो है गड़बड़ी देखने को मिली थी, जिसके वजह से वोटिंग परसेंट वहाँ पे काफी धीमी है। विवेक, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगा रही है, इस तरह लगातार अभी तक जितने भी आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं। देखिए नंदनी, पिछले एक हफ्ते से जो सपा का डेलीगेशन है वो निर्वाचन आयोग पहुंच रहा है, अपनी शिकायतें रख रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रही है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो चुनाव को निष्पक्ष नहीं करा रही है, चुनाव में धांधली करा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी करा रही है, ईवीएम को जानबूझ के खराब किया जा रहा है ताकि कम वोटिंग परसेंटेज आए और जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर है उनको गुमराह किया जा रहा है ताकि वो वोटिंग ना कर पाए। वही सूबे के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने वो भी आज निर्वाचन आयोग पहुंचे थे, उन्होंने ज्ञापन दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी केवल अराजकता और झूठ का माहौल बना रही है, प्रदेश सरकार निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपनी हार दी कर रही है, इसलिए वो पहले से ही अपने लिए सिर्फ डिफेंस खेल रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। बात की जाए रामपुर की, तो रामपुर में भी आजम खान लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनकी पत्नी ने भी वोट डाल दिया है, उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाया है। देखिए आजम खान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आज से आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो काफी अर्से से आरोप लगा रहे हैं, काफी दिन तक वो जेलों में बंद भी थे, उसके बाद उनकी विधायिका भी चली गई, अभी रामपुर का चुनाव उनकी भी प्रतिष्ठा का चुनाव है क्योंकि आजम खान जो है वहां से पिछले कई सालों से सांसद विधायक बने हुए थे, क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, जब सरकार में जब क्षेत्र की जनता को सुनते थे वहाँ उनके अपने लोग भी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का उनका भारी समर्थन है और देखा जाए तो इस समुदाय में उनकी पकड़ भी है, तो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हुई है क्योंकि कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी मिली थी, उसके बाद ईवीएम को ठीक किया गया तो काफी समय भी जाया होगा जिसकी वजह से वहाँ से वोटिंग परसेंटेज कम है। और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो इस समय लगेगा ही क्योंकि चुनाव है, इस समय आरोप प्रत्यारोप देखा जाए तो अभी देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है, अगर तीनों की बात करें तो एक बैच तक केवल 33% वोटिंग खटोली हुई थी, रामपुर में 19.5% की वोटिंग हुई थी और मैनपुरी में 31.5% की वोटिंग हुई थी, तो मैनपुरी या खटोली तो फिर भी ठीक है लेकिन रामपुर का जो वोटिंग परसेंटेज वो काफी नीचा है, काफी कम है क्योंकि वहाँ पे कई जगहों पे ईवीएम में गड़बड़ियां मिली थी, इसलिए थोड़ी दूर के लिए कई बूथों पर मतदान भी रुका था जिसकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज काफी कम दिखाया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आपको बता दें कि रामपुर में इस वक्त की वोटिंग परसेंटेज है 19.01% आ रही है, वहीं खतौली में 33.2%
अभी तक वोटिंग की गई है। आपको सीधा बता रहे, रामपुर में 19.01% वोटिंग की गई है और खतौली में अब तक 33.2% वोटिंग की गई है। बता दें कि इन तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। रामपुर में आजम खां की विधायक के रद्द होने के बाद ये उपचुनाव करवाया जा रहा है, वहीं खतौली में भी विधायक के रद्द होने के बाद भी ये उपचुनाव करवाया जा रहा है। बता दें कि आज वोटिंग शाम के 6 बजे तक होगी। वहीं अभी तक रामपुर में 19.01% तक वोटिंग की गई है। खतौली की बात करें तो खतौली विधानसभा सीट पे अभी 33.2% वोटिंग की गई है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उपचुनाव को लेकर कितनी प्रतिशत वोटिंग की गई है। आपको बता दें कि अभी तक रामपुर में और खतौली में, रामपुर में वहीं बात करें तो रामपुर में 19.01% वोटिंग की गई, खतौली में 33.2% वोटिंग की गई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।